मेरा नाम नवाबजादा मलिक मोहम्मद अरसलान खान है जी। आई बिलोंग टू अ वेरी फ्यूडल फैमिली। माई फोर फादर्स वर जनरल्स एंड एम्परर्स। आई एम डूइंग माई बैचलर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन। द स्टेट विच वी बेसिकली ओन इज कोट फतेह खान। कोट फतेह खान की जो स्टेट है जी, ये मशहूर ज़्यादा घोड़ों की वजह से है। अभी इस वक्त स्टेबल्स में वी हैव मोर देन 100 हॉर्सेस, जिसमें से 80 मेयर्स हैं जो कि फ्री ग्रेजिंग कर रही हैं हमारी स्टेट में, जिन्हें कभी किसी ने ना कैद किया ना किसी मुजेरे को अलाउड है कि वो उन्हें रोके, चाहे वो जितना मर्जी है क्रॉप्स खा जाएँ या कुछ कर जाएँ, नोबडी इज़ अलाउड टू स्टॉप देम। ये घर जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, ये 1932 की कंस्ट्रक्शन है जी। मेरे वालिद साहब के नाना जो हैं, ही वॉज द फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन फ्रांस। उस टाइम पाकिस्तान फ्रांस में वही एम्बेसडर्स भेजता था इन ऑल अराउंड द कंट्रीज, जो कि अपनी लिविंग खुद अफोर्ड कर सकें। पाकिस्तान की जो एम्बेसी इस वक्त है जी फ्रांस में भी, वो पाकिस्तान की प्राइवेट प्रॉपर्टी है जी। दैट वॉज प्रेजेंटेड टू पाकिस्तान बाय माई ग्रेट ग्रैंडफादर। जहाँ तक हमारी फैमिली की कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स टेंट पेगिंग, जो शुरू से टीम जाती थी बाहर, अब तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जी, इक्वेस्टेरियन फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन जब ये नहीं थी तो इसकी ओरिजिनेशन में मेरे जो ताया हैं नवाब मलिक अता मोहम्मद खान, उनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हैं जी। बेसिकली उन्होंने ये इनिशिएट किया था, क्योंकि ये वाइड स्पोर्ट है जिसमें पाकिस्तान की टीम जब भी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गई है जी, दे ऑलवेज केम बैक विद अ मेडल। पाकिस्तान की नेज़ाबाजी की जो टीम है इंटरनेशनल जी, मैं उसके अंडर 19 का भी टीम कैप्टन रह चुका हूँ जी। इसके अलावा मैं जर्मनी के लिए भी एक दो जगह खेल चुका हूँ। अभी पीछे हमारा क्यूबा कप हुआ था जी, उसमें आई रिप्रेजेंटेड जर्मनी एज वेल। मेरा नाम फरीदून शेख है जी। बेसिकली आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट। हमारा जो क्लब है जी, इस्लामाबाद राइडिंग क्लब के नाम से, ये कहते हैं दिस इज़ आर कल्चर। ये मुसलमान जब अटैक करते थे ना जी रात को, तो ये टेंट्स को पैक करके उखाड़ा करते थे दुश्मनों के। तो बेसिकली आपकी पुरानी इस्लामिक हिस्ट्री को ये बेसिकली रिलेट करता है। मेरा नाम डॉक्टर अहमद मलिक है। मैं कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में 2005 से पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे एक कल्चर है पंजाब में, हर साल जून जुलाई से लेके सितंबर ब्रेक होती है, और फिर एक्सट्रीम सर्दियों में ब्रेक होती है। तो सितंबर अक्टूबर और फरवरी से मई तक सारा साल पंजाब में नेज़ाबाजियाँ होती हैं। ये वो दौर हैं जब काश्तकारी नहीं हो रही होती, ज़मीनें फारिग होती हैं, लोग फारिग होते हैं, तो गंदम की बिजाई और गंदम की कटाई के दौरान नेज़ाबाजियाँ नहीं होती। उसके बाद ज़मींदार अपना कल्चर के लिए, अपने घोड़ों की जानवरों की सेहत बेहतर करने के लिए, अपनी स्किल्स और मेला लफ्ज़ जिस तरह है मेल, लोगों के मिलने का एक बहाना ढूँढने के लिए नेज़ाबाजी सदियों से एक पुराना चला आ रहा है कस्टम। टेंट पैगिंग इवेंट जो है जी, इट्स मोर ऑफ अ हॉर्स शो। एक किस्म की इनकी अपनी कैटेगरी है एक ज्वेलरी की, विच इज़ मेड फॉर हॉर्सेस जी। लोग उससे सवारते हैं, किसी की मुख्तलिफ रंग की सैडल्स हैं, इनकी मुख्तलिफ रंगों की यूनिफॉर्म्स हैं जी। नेज़ाबाजी अब जो है जी आके थोड़ी पॉपुलर हो गई है, बिकॉज इनिशियली तो बहुत लिमिटेड था। इसमें लोग ज़्यादा आना शुरू हो गए। हम लोगों ने जब नेज़ाबाजी स्टार्ट की थी, दैट वाज बैक इन 96-95 समवेयर, तब मैक्सिमम जो एक कंपटीशन में घोड़े या सवार होते थे, दैट वाज बिटवीन 80-90 पार्टिसिपेंट्स।
घोड़ों का भी शायद लेवल वो नहीं था जिस तरह आप माशाल्लाह बहुत अच्छे घोड़े में नज़र आते हैं। अब मैं नोट करता हूँ कि जिस तरह एवरेज जो है जी, दैट इज़ बिटवीन 300-350 हॉर्सेज तो आम इकट्ठे हो जाते हैं जी, और उसमें भी अब ज़्यादा कोशिश ये जो ऑर्गेनाइजर्स करते हैं कि बाय इनविटेशन ओनली हो, ताकि उनको वो लिमिट कर सकें, बिकॉज ऑब्वियसली जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए घोड़ों को बंधवाना, घोड़ों को दाना देना, सवारों का इंतज़ाम करना जी, ये सारा उनका जिम्मेवारी होती है। तो इसलिए अब उसको थोड़ा सा इस तरह कर दिया गया, लेकिन लोगों में शौक ज़्यादा पैदा हो गया जी। मेरा नाम सैयद एहसन अली नकवी है, 10 साल से मैं टेंट पेगिंग कर रहा हूँ, और जो मेरा क्लब है उसका नाम है नकवी अल बुखारी राइडिंग क्लब। टेंट पेगिंग में देखें, आप एक ग्राउंड में अगर फॉर इंस्टेंस 300 घोड़ा, और उसमें हर क्लब को आप आम इंसान तो हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हम ग्राउंड में होता है, हमें पता है, हम पर्सनली जानते हैं। लाइक कोई भी इंसान अगर ग्राउंड में आ चुके हैं उसको नहीं पता कि टेंट पेगिंग हो रही है, तो ये इंसान किस क्लब में है या दूसरा किस क्लब में है। उसके लिए जो ये क्लब्स हैं ना, ये प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड में रजिस्टर्ड होते हैं, और हर क्लब की ना जो राइडर है उसकी ड्रेसिंग मैच होती है, ठीक है। घोड़े के सैडल के नीचे जो हम डालते हैं उसका, अब फॉर एग्जांपल मेरा क्लब है उसका मरून सा जो कलर है, तो मेरी वेस्टकोट भी उसकी कलर की होगी, जो टर्बन मेरा ना ऑफ वाइट कलर का होगा, वो मुझे डिफरेंशिएट करेगा ग्राउंड में दूसरे क्लब से। नंगे सर भागने की इजाज़त नहीं है, वो राइडर स्क्रैच हो जाता है, तो यू हैव टू हैव योर हेड कवर्ड, पगड़ी ज़रूरी है नेज़ाबाजी में। पहले इस तरह था कि जी जो चार पॉइंट थे वो डिवाइडेड थे जी, उसमें सिर्फ एक पॉइंट ने अकेला उठाने का था जी, उसके अलावा एक पॉइंट राइडर की ड्रेसिंग का होता था जी, एक पॉइंट घोड़े की स्पीड का होता था जी, और एक पॉइंट राइडर के स्टाइल का होता था। लेकिन उसमें फिर क्योंकि वो थोड़ा सा जी वो फेवरेटिज्म का एलिमेंट आ गया, जो जजेस थे उनका अगर कोई फेवरेट था उसको शायद 2 पॉइंट फालतू मिल गए, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये ख़त्म करके अब जो टोटल है जी 4 पॉइंट वो किला उठाने के हैं। आप अगर कभी आपने नोट किया होगा जहाँ किला लगे होते हैं उनसे आगे कोई कुछ गज आगे एक लाइन लगी होती है जी, तो अगर तो आप किला उठा लेते हैं तो 4 पॉइंट्स, अगर आपका किला आपके नेजे से निकल गया है और लाइन से बाहर चला गया तो फिर भी 4 पॉइंट्स, लेकिन अगर आपका किला लाइन के अंदर गिरता है या अपने जो जिसमें वो खड्डे में लगा उससे बाहर आ जाता है लेकिन नेजे को टच करके जी, तो 2 पॉइंट्स। लेकिन ये सिर्फ आपका जो है ना जी, ये पहले राउंड का क्वालिफाइंग राउंड में आपको 2 पॉइंट्स की भी इजाज़त है। वंस यू क्वालिफाई एंड मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट राउंड, उसमें फिर आपको 4 पॉइंट्स करने ज़रूरी हो जाते हैं। डांसिंग हॉर्सेस हैं मोस्टली पाकिस्तान के जो देसी हॉर्सेस हैं उन्हें इस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि उनके अंदर इतना फायर है, इतनी अग्रेसिवनेस है कि वो इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। वेयर एज़ थोरोब्रेड डजंट इवन हैव अ टेम्परमेंट ऑफ डूइंग व्हाट दीज देसी हॉर्सेस हैव बीन डूइंग। जो टेंट पेगिंग में हमें बेसिकली शॉर्ट टेम्पर्ड हॉर्स चाहिए होते हैं, कूल माइंडेड नहीं चाहिए होते बेसिकली, क्योंकि जो हमारा ग्राउंड है वो 500 यार्ड या इससे थोड़ा बड़ा आप कर लें, उसमें हमें जो है ना, जो हमारी ब्रीड है ना अपनी टेंट पेगिंग के लिए, जो देसी ब्रीड पाकिस्तान की है, वो आप कह सकते हैं बेस्ट है। सबसे पहले आपको घोड़े पर बैठना, घोड़े को राइड करना, घोड़े को समझना आना चाहिए। जब आप वो सीख लेंगे, टेंट पेगिंग तो बहुत बाद की बात है। टेंट पेगिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी और हॉर्स की केमिस्ट्री, आपका बैलेंस, क्योंकि एक पेग है ज़मीन में जो सिर्फ 2.5 इंच उसकी विड्थ है और उसकी लेंथ होनी है मैक्सिमम 5-6 इंच। लेंथ जो है ना 6.5 फीट है, और इसमें आपको इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि आपको रनिंग हॉर्स पे पिक करना होता है ऊपर सैडल में से बैठ के। एक तो मोटा बांस होता है जो, और एक पतली स्टिक होती है बांस की सॉलिड, ये बेसिकली उससे बनता है। उसको पहले सुखाया जाता है कि अगर वो गीला होगा तो वो टेढ़ा हो जाएगा बाद में। इसको स्ट्रेट सुखा के फिर इसके आगे ना शार्प सा नेज़ा लगता है। आपने
फुल रन में एक लैंस के साथ उसको ज़मीन में से पिक करना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना बैलेंस और कितनी केमिस्ट्री अगर आपकी मैच कर रही होगी घोड़े के साथ, तो आप वो कर सकते हैं। घोड़े को आप ऐसे पालते हैं जैसे आप अपनी औलाद को पालते हैं। इसकी ट्रेनिंग को वैसे तो 2-3 साल लगते हैं जी, 2.5 साल का घोड़ा जवान होता है, उसे ट्रेन करते करते आगे 1-2 साल लग जाते हैं। घोड़ों का भी उसी तरह पर्सनैलिटीज़ होती हैं जिस तरह लोगों की पर्सनैलिटीज़ होती हैं। कुछ घोड़े बहुत स्पिरिटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ बड़े स्लो होते हैं, कुछ अड़ियल होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा ठंडे मिजाज के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा गर्म मिजाज के होते हैं। पावर की बात जहाँ तक है तो एक लेमैन टर्म में हॉर्स पावर को 5 आदमियों की ताकत के बराबर कहा जाता है। तो अगर घोड़े से आप कुश्ती करने की बात करें तो आदमी उससे कुश्ती नहीं कर सकता, घोड़े को समझना होता है। फिर जब उसकी ट्रेनिंग होती है तो उसमें मुंह में उसके बिट लगाई जाती है, कैसा एक चीज़ है वो किया जाता है, तो घोड़े को टेम किया जाता है। सारे सवार आपको ये बात कहेंगे कि कुछ जानवर होते हैं जो आदमी के साथ एक एसोसिएशन चाहते हैं, ये उन जानवरों में से हैं, कुत्ता होता है, घोड़ा होता है, बैल, गाय, भैंस इस तरह एसोसिएट नहीं होती, इनका IQ बहुत हाई होता है, तो ये सीखने को तैयार होते हैं। घोड़े एक ऐसा जानवर है जिसको अगर आप मारें तो अक्सर वो रिएक्ट करता है। तो घोड़े को आपको कुत्ते की तरह नहीं, दोस्त की तरह, जैसे कुत्ते को कई लोग कहते हैं सर्वेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है, घोड़े को दोस्त की तरह ट्रीट किया जाता है। अगर आप देख रहे हैं कि घोड़ा कोई काम नहीं कर रहा तो कोई थोड़ी सी उसकी मान ली, कोई थोड़ी सी अपनी मना ली, सारे सवार इस तरह एक दोस्ती का रिलेशनशिप डेवलप करके घोड़े के साथ उसको सिखाते हैं। हर स्प्लिट सेकंड पे घोड़ा अपनी लगाम, दांत, मुंह आपके हाथ में होने से आपको एक एक सिग्नल दे रहा होता है कि इस वक्त मेरा ज़ेहन कहाँ है, और उसको सवार ने पढ़ना होता है और समझ के उसके मुताबिक, घोड़े के मिजाज के मुताबिक इंटरप्रेट करना होता है कि ये सख्त तल्ख मिजाज है, इसको मैंने खींचा तो ये और तल्खी करेगा, या नरम मिजाज है, ढीला किया तो और ढीला हो जाएगा। कई चीज़ें जो हमें पब्लिक डीलिंग में समझ आती हैं इस तरह घोड़ों के साथ होती हैं। देयर इज अ न्यू ट्रेंड, दिन को ज़्यादा गर्मी होती है तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, रात के इवेंट्स रखने शुरू कर दिए। इसमें विजिबिलिटी की प्रॉब्लम तो डेफिनेटली होती ही होती है जी, इसके अलावा हमारे जो घोड़े हैं वो भी इस चीज़ के इतने यूज्ड टू नहीं हैं। तो रात की जो नेज़ाबाजी है पहले ज़माने में तो जो होती थी वो ऐसे होती थी कि लाइट नहीं लगाते थे वो इतनी जितनी आजकल फ्लड लाइट्स यूज़ की जाती हैं। वो जो किला होता है दैट वॉज इग्नाइटेड, वो हम उसे आग लगाते थे जी, और उस पे वो खेल खेला जाता था। आजकल तो सिंस टेक्नोलॉजी हैज़ टेकन ओवर, विजिबिलिटी ठीक होती है लेकिन वो वहाँ तक ही होती है जहाँ तक आपका किला है। उसके अलावा जहाँ पे लाइट ख़त्म होती है कई घोड़े हैं जो जल्दी रुक जाते हैं, कई घोड़े हैं जो बहुत मुँहज़ोर होते हैं वो अपने टाइम से रुकते हैं, तो आगे जहाँ पे फिर लाइट नहीं है वो दैट्स अ रिस्क अगेन। हम लोग छोटे होते थे ना जी, तो वो पंजाब का एक कल्चर है, हमें ये कहा जाता था कि जी गधे से गिरो तो टांग या बाजू ज़रूर टूटता है लेकिन घोड़े से गिरो तो कभी कुछ नहीं होता जी। वो ये कहते हैं जी कि गधा जो है ना जी वो हमेशा जो ऊपर बैठा है तो उसको बदवा दे रहा होता है, ये हमारे कॉन्सेप्ट है जी पंजाब का एक। और घोड़ा हर कदम पर राइडर के लिए दुआ निकालता है जी कि जो मेरे ऊपर बैठा अल्लाह इसकी हिफाजत करे। रेटिंग की बात करें ना इंजरीज की, तो मैं 10 out of 10 बोलूँगा इसको, इतना रिस्की है ये। हमने ख़ुद अपनी नज़र से लोग इसमें मरते हुए भी देखे हैं। इवन आपका घोड़ा अगर फुल रन में भाग रहा है, अल्लाह ना करे वो स्लिप होता है, तो आप सिर्फ सोच लें अगर आपका एक्सीडेंट होता है, आप कंपेयर कर सकते, आपकी कोई सेफ्टी नहीं है। अगर आपका बैलेंस नहीं रहता आप घोड़े से गिर जाते हो, मतलब काफ़ी रिस्क है। बट वो कहते हैं ना कि थ्रिल भी तो इसी में ही है, एडवेंचर भी तो है गेम में। घोड़ा जब गैलप कर रहा होता है और जो हमारा ट्रेडिशनल टेंट पेगिंग का स्टाइल है उसमें आप घोड़े के पूरे एक साइड पर आ जाते हैं, तो उसमें आपका ना बैलेंस उस तरह से रह सकता है अगर घोड़ा ज़रा सा भी इधर से उधर हो जाए। इसमें सिर्फ आपका एड्रेनलिन रश होता है और आपका जज्बा होता है कि आप जा रहे हैं, एक चीज़ है जो आपने करनी है, वो एक आपके दिमाग में उस वक्त और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि एक लकड़ी का पीस है, इट्स देयर इज़ अ पेग ऑन द ग्राउंड एंड यू हैव टू पिक इट नो मैटर व्हाट। अगर आप देखें तो नेज़ाबाजी में स्पीकर हमेशा ये कह रहा था कि जी सवार के दौड़ने में कोई शक नहीं है, किले मुकदरों से लगते हैं,
वो माइक पे कह रहा था जी अगर सवार का दौड़ना घोड़े का खूबसूरत आना पसंद आया तो ज़रा ताली बजा दें कि सवार बेचारे को एक ताली ही बचती है। तो असल ऑब्जेक्टिव ये होता है क्योंकि ये एक ऐसा शौक है जो जेब से पैसे लगा के किया जाता है, इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। बुनियादी तौर पे आपको एक ये महसूस होता है कि मैंने अपने आप को एज पे ले आया हूँ, रिस्क पे ले आया हूँ, पुट आउट माई सेल्फ देयर। तो कुछ भी हो सकता है, ये हर रोज़ आपको बैठे बैठे